हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आपने देखा होगा कल 5:44 पे न्यूज आई थी, केंद्रीय कैबिनेट ने 16वीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, भाई ये सबसे पहली बात तो ये, इसको भंग क्यों करते हैं, पहला सवाल तो यही है। दूसरी बात ये है कि इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि सांसद का और संसद का और प्रधानमंत्री का कोई भी अगर रिलेटेड न्यूज हो तो उससे कई सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स के उठ के आ जाते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को यहीं से क्लियर कर लिया जाए तो करंट तो तैयार होता ही, उसके साथ साथ आपका बहुत सारा पोर्शन पॉलिटिक्स का भी तैयार होता जाता है। अब आपने देखा होगा, पहले तो न्यूज़ देख लीजिए, इसमें लिखा यह है यूनियन कैबिनेट पास रेजोल्यूशन टू डिसॉल्व द 16 लोकसभा। अब 16वीं लोकसभा भंग कर दी है, 17वीं लोकसभा की शपथ लेंगे, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल बनेगा। 26 तारीख की डेट बताई जा रही है अभी तक न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं, संसद के बारे में डिटेलिंग लेंगे, लोकसभा के बारे में डिटेलिंग लेंगे और बहुत अलग तरीके से जो क्वेश्चंस उसके आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा और कोई फालतू चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा अपन को करना नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ जाता है जब भी कोई नई सरकार बनती है। आपने देखा होगा जब कर्नाटका में सरकार बनी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाएगा थोड़े दिनों में, और इससे कई सारे प्रश्न वैसे बन चुके हैं और अलग इसके लिए आर्टिकल भी है, दो आर्टिकलों में संज्ञा दी हुई है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आंग्ल भारतीय थे एक फ्रैंक एंथनी, इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के कार्य और लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्यों में जो अंतर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे शॉर्टली। मेन टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं संसद क्या है, क्यों है, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है। दोस्तों, संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधायी निकाय किसे कहते हैं, विधायी निकाय उसे कहते हैं जिसमें लोग जाकर के कानून बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन लोगों को भेजता कौन है, उन लोगों को भेजती है जनता। तो वो जहाँ भी ये सारी चीज़ें होती है वो विधायी निकाय होता है, और ये कौन सा विधायी निकाय, ये सर्वोच्च विधायी निकाय, यानी सर्वोच्च की बात हुई है तो इसके नीचे भी बहुत सारे होंगे, और इसके नीचे अपन आए तो ग्राम पंचायत लेवल से विधायी निकाय स्टार्ट होते हैं जो आगे जाते 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 सर्वोच्च संसद तक पहुँचते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं होता। हमारी संसद राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल और होता है एक अपना काउंसिल ऑफ द स्टेट। हाउस ऑफ द पीपल जो होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल इस प्रकार से होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी जाकर के बैठता है, ये प्रश्न बने हुए हैं हाउस ऑफ द पीपल कौन सा है, निचला सदन है, ऊंचला सदन है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, कौन सा है, तो तीन चार इनके नाम होते हैं। जो लोअर हाउस होता है वो होता है लोकसभा, जो अपर हाउस होता है वो होता है राज्यसभा, और जो अपर हाउस होता है वही होता है आपका काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और जो लोअर हाउस होता है वही होता है आपका हाउस ऑफ द पीपल। तो ये कंफ्यूज करेंगे, तीन चार नाम अलग अलग हैं, इनको ध्यान से आप ध्यान रखें। एक तो होता है हाउस ऑफ द पीपल जिसको अभी अपन ने चुनाव देकर के जिनको भेजा है ना नेताओं को, वो जाकर के हाउस ऑफ द पीपल में बैठने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हाउस ऑफ द पीपल को भंग किया जा सकता है, जबकि आपका काउंसिल ऑफ द स्टेट्स होता है वो कभी भंग नहीं होता, ये हमेशा निरंतर चलता रहता है। रिटायरमेंट होता है 2 साल के अंदर में, दूसरे चुन के आ जाते हैं, फिर रिटायरमेंट होता है, फिर चुन के आ जाते हैं, राज्यसभा में ऐसा ही चलता रहता है। अब यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि ये जो काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट होता है, ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है, स्थायी होता है, या कौन सा होता है? तो ध्यान रख लेना, जिस चीज़ को भंग किया जा सकता है वो होता है अस्थायी, और जिस चीज़ को भंग नहीं किया जा सकता वो होता है स्थायी, यानी कि जिस चीज़ को कभी भी गिराया जा सकता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो अस्थायी हमेशा वो होता है जो हाउस ऑफ द पीपल होता है। हाउस ऑफ द पीपल कौन होगा, जिसमें हम चुनकर भेजेंगे, हम चुनकर किसको भेजते हैं, सांसदों को, सांसदों को भेजते हैं, तो वो कौन से सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं वो, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, कन्फ्यूज मत होना। कहीं क्वेश्चन बने कि काउंसिल ऑफ द स्टेट ये क्या है, तो ये स्थायी है, 2 साल के बाद रिटायरमेंट होता रहता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, 25% सांसद जो होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं हर 2-2 साल में, और उसके बाद नए आते रहते हैं, तो ये चलता रहता है निरंतर। लेकिन लोकसभा जो है अस्थायी होता है, कल को कोई कुछ हो जाए तो सरकार गिर भी जाती है, 30-30 दिन में, 9-9 दिन में, 10-10 दिन में भी अपने यहाँ सरकारें गिरी है, अटल जी के टाइम पर आपने देखा होगा। आगे चलते हैं, अब बेसिकली होता क्या है, लाइनें तो मैंने 2 पढ़ी है लेकिन क्वेश्चन कितने आपको समझा दिए हैं, तो आप ही ध्यान रख लेना कि बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप डिटेल में लिख सकते हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा ये।
राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने का और सत्रावासन करने का अथवा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। अब ये प्रश्न कई बार पूछे गए, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन में दे देंगे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कुछ भी, विपक्ष वगैरह ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको लगाना कौन सा होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार होता है, सदन की बैठक बुलाने का अधिकार। अभी एक बात मैं आपको बताऊं, संयुक्त सदन की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है और पीसीएस के कई एग्जाम पूछा गया है, तो सीधा सा आंसर है राष्ट्रपति के पास होता है। और एक बार तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि जो संयुक्त सदन की बैठक होती है वो बैठक होती किस सदन में है? सुना आपने, बैठक जो होती है, बैठक जो बुलाता है संयुक्त सदन की, वो बैठक किस सदन में होती है? लोकसभा के लोअर हाउस में होती है या अपर हाउस में होती है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको ये बारीकी से पढ़ना होता है इन चीज़ों को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रभावी रूप से कार्यप्रणाली में आया और उसके बाद 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ। अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद, अप्रैल 1957 में दूसरी और अप्रैल 1962 में तीसरी लोकसभा जो है वो आई। मार्च 1967 में चौथी लोकसभा, आपको पता होगा ये क्यों आई थी, कमेंट में बताइए, क्योंकि घटना हो गई थी एक। और मार्च 1971 में पांचवी लोकसभा, मार्च 1977 में छठी लोकसभा और जनवरी 1980 में सातवीं लोकसभा। तो ये डिटेलिंग होती है डेट्स, आपको ये 6-7 की तो आपको याद होना चाहिए। 1984 में 8वीं लोकसभा आई थी जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ आपने देखा होगा किस प्रकार से सरकार बनी थी, और 1989 जो होता है उसमें 9वीं लोकसभा आई। उसके बाद अगर आप देखें 91 में 10वीं और 96 में 11वीं आई, फिर 98 में 12वीं और अक्टूबर 1999 में 13वीं आई। फिर इसके बाद ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहा, सरकारें बदलती रही, पार्टियाँ आती जाती रही और देश हमारा, लोकतंत्र हमारा सलामत रहा। और अभी जो है 2014 में ये हुए थे लोकसभा चुनाव, आपकी 16वीं लोकसभा के। अब जो शपथ लेंगे, ध्यान रख लेना, 16वीं के तो 2014 की बात है, अब जो भंग की गई है वो भंग की है 16वीं। अब जो शपथ लेंगे वो शपथ कौन सी लेंगे? वो शपथ लेंगे 17वीं की। आपने ANI के ट्यूट को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 16वीं को तो भंग कर दिया है और 17वीं की शपथ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा नाम से स्पष्ट है, लोकसभा जनप्रतिनिधियों का निकाय है। इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन मताधिकार संपन्न वयस्क लोगों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो 18 वर्ष से की उम्र का है वो जो है वोट देता है, और उन नागरिकों द्वारा जो चुनी जाती है सरकार, चुना जाता है सांसद, वो फिर सारे सांसद मिलके एक PM को चुनते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर आपने देखा होगा तो एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि वैसे होता यह है कि सारे सांसद मिलके एक PM बनाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि एक PM ने मिलके सारे सांसद बना दिए। जस्ट जोक सपाट, हकीकत में होता यही है कि ये चुनते हैं सांसद PM को। अब आगे अगर बात करें तो निर्वाचन का मताधिकार संपन्न वयस्क लोगों को ही होता है, ये कन्फर्म है। प्रत्येक 5 वर्षों में ये बार बार किया जाता है, 5 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल नहीं होता। अब मैंने पूछा था कि भंग क्यों होता है या भंग क्यों करते हैं, तो दोस्तों होता यह है अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है, भले आप कोई पार्टी हो या कोई कोलिजन हो, यानी कि कोई गठबंधन हो, बहुत सारी चीज़ें मिलकर आप बने हो, तो आप राष्ट्रपति के पास जाते हैं, पूरा बहुमत साबित करते हैं, आपकी सरकार बन जाती है। लेकिन कहीं भी अगर ऐसा लगता है आपकी सरकार चल रही है बनी बनाए, और कोई व्यक्ति आकर के राष्ट्रपति जी से कहता है कि साहब ये इनकी सरकार के जो है जो सांसद हैं, जो नंबर हैं, वो इनके फेवर में नहीं है, वो हमारे फेवर में हैं, इनके सांसद हमारा साथ दे रहे हैं या हमारे साथ खड़े हैं, यानी कि हमारे कोलिजन में आना चाहते हैं, तो फिर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी जो है संयुक्त रूप से वहाँ पे पूरी वोटिंग होती है, दोबारा से चयन किया जाता है किस प्रकार से सारी चीज़ें होगी, और उसके बाद क्या होता है, जिस भी कोलिजन के, भले वो कोई सा भी कोलिजन रहा हो, जिस भी कोलिजन के सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं या जो आंकड़ा है बहुमत का, उस आंकड़े को पार करते हैं, उसकी सरकार बन जाती है। मतलब ये सरकारें गिरती बनती रहती है अगर आपके पास पूर्ण मेजोरिटी नहीं हो तो, क्योंकि पार्टियां इधर से उधर होते देर नहीं लगती, नेताओं की हालतें अपने पता है। अब होता क्या है, लोकसभा की वर्तमान सदस्यता 545 है, परिसीमन होता रहता है तो ये घटबड़ भी जाती है। अभी 542 यानी कि 542 पे चुनाव हुए थे, 3 पे नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे आपको पता होगा, कमेंट में बताइए क्यों नहीं हुए थे। सदन में दरअसल क्या होता है कि किसी
प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वहाँ पर चुनाव जो है वो डिले कर दिया जाता है, पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, ये कारण होता है। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि वो चाहें तो आंग्ल भारतीय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आंग्ल भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है और ये कार्यवाही जो होती है इनकी 5 वर्ष की होती है, परंतु समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने देखी, आंग्ल भारतीय मतलब ये ऐसे लोग होते हैं, दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जिनको बिना चुनाव लड़े भी संसद में सांसद बनने का मौका होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी डिटेलिंग अब अपन लेंगे। पहले हम जान लेते हैं विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में विभाजित सदस्यों की संख्या क्या है, किस प्रकार से, ये कभी कभार इनका प्रश्न बन जाता है, अक्सर तो नहीं बनता। दरअसल सबसे बड़ा जो है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लार्ज नंबर ऑफ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये होते हैं 80। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। दरअसल क्या है, आंध्र प्रदेश 2014 तक आता था, उसके बाद अगर अपन देखें तो तेलंगाना बन गया, 17 जो सीटें हैं वहाँ चली गई, तो 25+17 मिला करके आंध्र हुआ करता था, क्योंकि अभी सारी चीज़ें सेपरेशन में नहीं आई इसलिए आंध्र को भी 42 गिना जाता है, लेकिन अब जो है 42 नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये 17 जो है आपकी ये है तेलंगाना की, 25 आंध्र प्रदेश की रह गई है। तो दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से अभी अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, लेकिन अगली कुछ दिनों बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर ओनली पश्चिम बंगाल ही रहेगा। इस चुनाव में भी पश्चिम बंगाल ही था क्योंकि वहाँ पर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा गया था और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों अलग अलग स्टेट हो गए तो उस हिसाब से चुनाव लड़ा गया था। तो आपको अगर पूछा जाए नंबर तो दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगर बात की जाए तो राजस्थान के 25 लोकसभा सीटें हैं, ये आपको पता होगा। इसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, अगर आप देखें तो गोवा में 2 हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, गोवा के, सिक्किम के, सिक्किम में 1 है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, दमन और दीव जो है इसके अंदर 1 है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सब में 1 है, अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए, दिल्ली अकेला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसके अंदर क्या है NCR वाला एरिया आता है, तो NCR वाले एरिया को मिला करके टोटल 7 यहाँ पर सीटें हो जाती है और 7ों की 7ों सीटें पर इस बार कमल खिला है, बीजेपी की जीत हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर की टोटल 6 सीटें हैं जिसमें जम्मू की 3 हैं और कश्मीर वाले हिस्से की 3 हैं। आगे अगर बात की जाए तो कर्नाटका की 28 हैं, इस प्रकार से सारी सीटें हैं। अब इसके बाद आप 36वें नंबर के पॉइंट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भारतीय जो होते हैं आंग्ल भारतीय, यदि संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने नाम निर्दिष्ट या मनोनीत कर सकता है, कब कर सकता है, जब इनका कोई भी सत्ता में नहीं आए इनकी समुदाय का, तो क्या करेगा राष्ट्रपति जी जो हैं इनको 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं अपने अधिकार से, भले ये जीते या ना जीते, और इनके पास समस्त अधिकार होते हैं, कुछ अधिकार को छोड़ दे तो। आगे हम बात करते हैं आंग्ल भारतीयों एंग्लो इंडियन के बारे में, दरअसल ये थे क्या दोस्तों, हुआ क्या, जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया था व्यापार की दृष्टि से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकें और व्यापार करके पैसा लूट के बाहर से ले जा सकें। तो अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने राजपाट में खूब प्रसार किया, पटरियाँ बिछाई, तार के कंबे खड़े किए, पोस्ट ऑफिस बनाए, तो ऐसे में बहुत सारे जो हैं लोग भारतीय लोगों से काम करवाना चाहते थे, लेकिन भारतीय लोगों को इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर के वो आए थे और यहाँ पर उन अंग्रेज अधिकारियों ने काम किया था, और यहाँ पर उन्होंने काम किया तो वहाँ पर जहाँ इन्होंने काम किया वहाँ पर इनके परिवार भी बसे, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट चलता है रेलवे का, इनका जब निर्माण होता है तो 100-100 साल भी लगते हैं और लगभग 200 सालों तक तो राज ही किया था, तो बहुत सारा टाइम हो गया था, तो इस परिस्थिति में इनके बच्चे भी हुए। अब दरअसल जब जन्म किसी व्यक्ति का भारत के अंदर हो रहा है तो वो होना तो भारतीय चाहिए, लेकिन उसका जो फादर है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था तो वो तो विदेशी हो गया, तो इस समुदाय को नाम दिया गया भारतीय लगा करके एंग्लो इंडियन कहा गया इनको, ये होते हैं आंग्ल भारतीय, यानी कि अंग्रेजों से पैदा हुए भारतीय। अब दरअसल क्या हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट इंडिया की बनी तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये आंग्ल भारतीय जो हैं ये तो यहीं रह गए, तो इस वजह से इनको कुछ अधिकार दिए गए, बाद में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी करी। बेसिकली हुआ क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न ये है,
ये आए थे रेलवे के प्रोजेक्ट में, ज़्यादातर जो लाए गए थे अधिकारी इंजीनियर या जितने भी लोग थे अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे वो थे रेलवे बनाने के लिए आए थे। और रेलवे बनाने के बाद जैसे ही सरकार अपनी बनी, आज़ाद हुआ भारत, तो ये वापस चले गए। तो इनके बच्चे जो यहाँ पर भारत में बच गए, इनको आंग्ल भारतीय तो कहा ही जाता है, उसके साथ साथ इन्हें रेलवे चिल्ड्रन भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2 बार पूछ लिया गया है। और एंग्लो इंडियन समुदाय ने 1876 में अपना एक संगठन बनाया था, द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। इस संगठन के एक चर्चित अध्यक्ष हुए थे जो जबलपुर में पैदा हुए थे, उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। और इन्हीं की वजह से आज ये दो जो है सीटें सांसद में सांसदों को दी जाती है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब बेसिकली थे कौन ये फ्रैंकलिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये पैदा तो जबलपुर में हुए थे लेकिन दिल्ली आकर ये वकालत करते थे। उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी आ गया उस ज़माने में और वकालत कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई नेता तो बनना लाजमी था। इसके बाद एंथनी जो है वो एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनते हैं। मुल्क आज़ाद होता है तो एंथनी जो है संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। एंथनी की दलील थी कि एंग्लो इंडियन समुदाय जो है वो इतना छोटा है कि वो अपने दम पर किसी भी प्रत्याशी को जिताना तो बहुत दूर की बात है, वो तो प्रचार भी नहीं कर पाएगा पूरे क्षेत्र में। तो इन्होंने ये कहा कि संसद में हमारा भी प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है सामाजिक जनभागीदारिता सबकी होना चाहिए वरना लोकतंत्र पूरा नहीं होता है। तो इस दलील के अनुसार संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, ये अनुच्छेद था 331 यानी कि आर्टिकल 331 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत फ्रैंक एंथनी 7 बार संसद में मनोनीत भी हुए, मतलब बिना चुनाव लड़े सांसद बन गए, संसद में बैठ गए। तो ये एक कानून है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फ्रैंकलिन एंथनी के बारे में कई बार प्रश्न बन जाता है और जब भी नई सरकारें बनती है तो इनके बारे में ये जो एंग्लो इंडियन वाला बात आता है वो जहन में आ जाता है, करंट अफेयर का मुद्दा हो जाता है, कई सारे प्रश्न बन चुके हैं पहले भी। और जिस प्रकार से संसद में होते हैं उसी प्रकार से ये प्रावधान दिया गया संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत, अगर किसी सूबे के राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य के एंग्लो इंडियन समुदाय के सदन में प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है तो वो भी 1 सदस्य वो विधानसभा में भी ऐड कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार से जो संविधान का अनुच्छेद है 331 और 333 ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है। इसके अलावा 366 भी इनसे संबंधित है। ये प्रश्न बन जाते हैं ये संबंधित किससे हैं। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत ये बताया गया है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, किस प्रकार से इन्हें एंग्लो इंडियन माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो, जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। एंग्लो इंडियन भारत का अकेला समुदाय है जिनका अपना प्रतिनिधि संसद और राज्यसभा की विधानसभाओं में होता है। हालांकि ये इस तरह के इल्ज़ाम इन पर लगे हैं कि मनोनीत सदस्यों ने जाकर के मलाई खाई है, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, इनके समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया। हालांकि ये आरोप जो है हर एक नेता पर लगता रहता है। आगे चलते हैं, लोकसभा के बाद अपन आते हैं अब राज्यसभा के साथ। दोस्तों राज्यसभा के बारे में कुछ एक डिटेलिंग मैं आपको दे चुका हूँ, थोड़ी वो डीप डिटेलिंग ले लेते हैं। सबको पता है अपर हाउस होता है, भंग नहीं किया जा सकता, स्थाई होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली निर्वाचित नहीं होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो इनको चुनते हैं और फिर ये MP बनकर के अपर हाउस में जाते हैं। प्रत्येक राज्य को निश्चित सदस्य संख्या आवंटित की गई है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य 30 वर्ष से कम आयु का नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा में जो 25 होता है वो यहाँ 30 हो जाता है। आपने देखा होगा बेंगलोर साउथ सीट से 28 साल के तेजस्वी सूर्या जीत चुके हैं, उनकी उम्र मात्र 28 साल है। तो राज्यसभा की बात की जाए तो वो नहीं खड़े ही नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि उनकी उम्र 28 साल है। 30 होता है तो ही हो सकता है और लोकसभा में 25 में खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य नामदेशित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य कला सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव होता है उनको ले लिया जाता है। जैसे कि रेखा राव को लिया था, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को लिया था, आपने देखा होगा। राज्यसभा का एक स्थायी निकाय मेरी कॉम को भी लिया था। इसका विघटन नहीं होता है कभी भी, मैं आपको बता दिया पहले भी ये बात। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा का
3 अप्रैल 1952 में प्रथम बार यथाविधि गठन हुआ था, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो भी 1952 में 13 मई को हुई थी। ये इम्पोर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो आप डायरेक्टली आंकड़ा ना लगाएं कि सबसे ज़्यादा लोकसभा अगर यूपी में तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा यूपी में होगी। ये बात, ये आंकड़ा यहाँ तो ठीक होता है, लेकिन जैसे आप नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कौन से आ रहे थे, दो राज्य आ रहे थे। एक आ रहे थे आंध्र प्रदेश, जिसकी 42 लोकसभा सीटें थी। एक आ रहा था पश्चिम बंगाल, जिसकी कितनी थी, उसकी भी 42 थी। लेकिन आपको ये बात बता दूं, आंध्र प्रदेश में 18 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल के अंदर मात्र 16 राज्यसभा सीटें हैं। हालांकि ये आंकड़ा आप चेंज हो जाएगा क्योंकि तेलंगाना जैसे ही फॉर्म हुआ है बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। आगे बात करते हैं पीठासीन अधिकारी के बारे में, कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव पीठासीन अधिकारी के रूप में करती है और उसे अध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा के अंदर उसे लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है, जो कि सुमित्रा महाजन थी। अब नए कौन होते हैं वो देखने वाली बात होगी। लोकसभा अध्यक्ष की सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व जो होता है वो अध्यक्ष का ही होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में 2 महिलाएं रही है, मीरा कुमार कह लीजिए या आप कह लीजिए सुमित्रा महाजन, जो हमेशा कहती रहती है बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, क्योंकि उनका काम होता है ये कि संसद को चलाएं, सदन को चलाएं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी वेंकैया नायडू जो है वो पदेन सभापति हैं अपने अपर हाउस में। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। राज्यसभा भी अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव उपसभापति के रूप में करती है। आगे चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के कार्य क्या होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कार्य बहुत सारे हैं, वैसे अगर डिटेलिंग में जाएं क्योंकि इतना तो वीडियो में इतना समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। दोनों सदनों का, अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ का डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों सदनों का मुख्य कार्य विधान पारित करना होता है, यानी कि बिल जो होते हैं उनको पास करना होता है, और उससे क्या होते हैं, कानून बनते हैं। अगर मान लीजिए राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में करो, लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में करो। मेजोरिटी से बिल पास होते हैं तो वो कानून बन जाता है। संविधान संशोधन भी इन्हीं का कार्य है, वो भी बिल के तहत ही होता है। किसी भी विधेयक के विधान बनाने हेतु इससे पूर्व दोनों सदनों पर पारित किया जाना होता है। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होती है। संसद भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत उल्लेखित विषयों पर विधान बना सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है, किसके अंतर्गत बना सकता है, उस संघ सूची जो है वह है 7वीं, आपको ये याद रखना है, 7वीं अनुसूची। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो संघ विषय में ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका प्रशासन, सुविधा, कार्यकुशलता, सुरक्षा कारणों से अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। मुख्य संघ विषय है रक्षा, विदेश, रेलवे, परिवहन, संचारी, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इनमें बस अक्सर आपने संसद में देखी होगी, और बहुत सारी इनकी कमेटियाँ भी होती है जो अलग अलग चीज़ों के सुधार के लिए आदेश देती है, प्रक्रिया संपन्न करती है, फिर बताती है कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ ये परिवर्तन होता है, फिर उन्हीं को कानून में तब्दील किया जाता है। जैसे अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट आती रहती है, जैसे आती थी लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें क्रिकेट में जो धांधली हो रही थी आईपीएल में उसके बारे में डिटेलिंग दी गई थी, उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, अलग अलग कमीशन्स आते रहते हैं। तो वो कमीशन कौन बनाता है, वो भी यही जो है संसद ही बनाती है, फिर उन्हीं की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको कानून में बदल दिया जाता है। कहीं किसी के दिमाग में नहीं आता कि ये कानून बनना चाहिए, वो दिमाग में कैसे आता है, क्योंकि रिपोर्ट आती है उसके पहले, उसके ऊपर वो रिपोर्ट कौन देता है, वो कमेटियां देती है, कमेटियां कौन बनाती है, संसद ही बनाती है। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला चलता रहता है, ऐसे हो नहीं जाता अकस्मात। अगर आपको बात की जाए तो बैंकिंग, सीमा शुल्क, उत्पाद जो आपकी जीएसटी करता है, एक्साइज ड्यूटी करता है, ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के दोनों परिषद विधान बना सकते हैं। इसके अलावा इसी श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक तथा सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा, श्रम कल्याण मूल्य, कुल मिलाकर सारे ही काम जो है वो यहाँ से किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं। आगे अगर बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है, एक को भंग किया जा सकता है, एक को भंग नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है, एक में डायरेक्टली चुन करके जा रहे हैं, सांसद को वोट दे रहे हैं, आगे बैठते हैं,
और यहाँ पर पहले हम विधायकों को वोट दे रहे हैं, फिर वो वोट दे करके उधर कुछ को एमपी बना रहे हैं राज्यसभा का। तो ये बहुत सारे बेसिक अंतर तो आपको ऐसे ही पता है। उसके बाद भी महत्वपूर्ण जो बात है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव पात्र मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें कन्फर्म कर दिया जाता है कि राजस्थान में जैसे मान लीजिए 200 सीटें हैं तो 200 सीटें विधानसभा की यहाँ पर हैं, तो विधानसभा की 200 सीटें यहाँ पर हैं तो यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएगी, 10 सीटें हो जाएगी। इस प्रकार से एक अनुपात निकाला जाता है और उस प्रकार से करवाया जाता है। प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल वर्ष जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष बाद उसको भंग कर दिया जाता है जैसे कि अभी कल किया। और राज्यसभा की बात की जाए तो स्थायी ये चलती रहेगी, कभी भंग नहीं होगी। संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। धन विधेयकों को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त लोकसभा ही देश के प्रशासन को चलाने के लिए राशि स्वीकृत करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। एक तो धन विधेयक जो है इस पर कई सारे प्रश्न बने हुए हैं, कहाँ आता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त लोकसभा ही देश के लिए प्रशासन को चलाने के लिए राशि स्वीकृत करती है। वोट ऑन अकाउंट अभी हुआ था जो अंतरिम बजट आया था, तो उस प्रकार से सारी चीज़ें ये लोकसभा ही कर सकती है। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशेष शक्तियां हैं कि संसद के लिए राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के संबंध में विधान बनाना राष्ट्रहित में आवश्यक तथा सामयिक है। मतलब राज्यसभा के सदस्य ऐसे नहीं है कि वो कुछ नहीं करते, वो ऐसा नहीं है कि कोई बिल आएगा उस पर सिग्नेचर करने, उसके अलावा वो भी सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं राष्ट्रहित में क्या करना चाहिए। और वैसे भी आपने देखा होगा राज्यसभा में लोकसभा से ज़्यादा बहस होती है, वो बताते हुए वहाँ पे जो बैठते हैं वो इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं जिनको ज़रूरत होती है देश को, वही वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। हालांकि ये सब आइडियोलॉजी बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन हकीकत में पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तथा केंद्र एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का विधि द्वारा सृजन किया जाए, ये भी इनका ही कार्य होता है। तो ये वीडियो था जो इस करंट अफेयर के ऊपर बेस्ट था, जिसमें कई सारे मुद्दे अपन ने देखे, डिस्कस करे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हों, तो कृपया कमेंट में बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डी एस गुरुजी के साथ। और भी कोई डाटा आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट में मांग सकते हैं, मैं ये PDF जो है टेलीग्राम पर डाल दूँगा। थैंक यू।